समाजवादी पार्टी कासगंज की कार्यकारिणी विस्तार बैठक जिला कार्यालय उर्मिला पैलेस पर आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। वहीं जिलाध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शाम 7 बजे से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर अलाव लगाकर महापंचायत करेंगे और सरकार की किसान विरोधी नीतियों से किसानों को जागरूक करेंगे। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह किसान विरोधी सरकार है, किसानों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही। बीजेपी की सरकार की मानसिकता खराब है। बीजेपी के जितने लोग हैं वो उलझुल बातें करते हैं, लोकतंत्र पर उनका कोई भरोसा नहीं रहा है। लोकतंत्र के ये घोर विरोधी हैं, किसान मजदूर गरीब के घोर विरोधी हैं। इन्होंने कभी देश के बारे में नहीं सोचा। देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तब कभी भी इनका कोई बीजेपी के लोगों का कोई योगदान नहीं रहा। एक भी आदमी कभी किसी आंदोलन में नहीं रहा गया। किसान का बेटा फौज से लेकर नीचे से लेकर जहाँ भी कहीं नौकरी करता है वो किसान का बेटा करता है। इस दौरान पूर्व विधायक हसरत अल्लाह शेरवानी, ब्लॉक प्रमुख ब्रिजेंद्र सिंह गौर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। NBC न्यूज के लिए कासगंज से फहीम अख्तर की रिपोर्ट।